सुबह का वक्त और हम निकल पड़े सोलंग वैली के लिए। तो सोलंग वैली के लिए आपको मनाली से ही बस मिलती है, बस व टैक्सी सब कुछ मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप ज़्यादातर बस का ही प्रयोग करें क्योंकि मनाली की टैक्सी थोड़ा ज़्यादा महंगी होती है। तो हम लोग निकल पड़े थे मनाली से सोलंग वैली के लिए। तो जब हम लोग सोलंग वैली पहुँचे तो हमें पता नहीं था कि स्नोफॉल कितना हुआ है, तो वहाँ जाके पता चला स्नोफॉल सिर्फ ऊंचाई पे हुई है, ज़्यादा स्नोफॉल हो नहीं पाई थी। तो हम लोग वहीं पे घूम रहे थे, उसके बाद हमें पता चला कि अटल टनल के पास थोड़ा ज़्यादा स्नोफॉल हुई है। तो फिर हम निकल पड़े अटल टनल के लिए। तो अटल टनल के लिए हमें सोलंग वैली से वही 500 रुपये आसपास चार्ज देना पड़ा और हम लोग पहुँच गए अटल टनल। और अटल टनल का नज़ारा तो देखने लायक था, नीचे तो जैसे कचड़ा ही पड़ा था। हम लोग ऊपर पहुँचे तो पता चला असली स्नोफॉल तो यहाँ पे हुई है। जिधर निगाहें उठी उधर स्नो ही स्नो, और लुफ्त उठाइए थोड़ा सा स्नो का। और फिर मिलते हैं, वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे क्या देखने लायक है यहाँ पे। देखा यहाँ पे स्नोफॉल कितना ज़्यादा हुई है, और हमने भी जब पहली बार देखा तो देखते रह गए कि स्नोफॉल तो लग ही नहीं रहा था कि स्नोफॉल, एकदम बर्फ़ ही बर्फ, इतना बर्फ कि पता नहीं चला था कि यह मिट्टी है कि यह बर्फ़ की पहाड़ है। तो हम भी पहुँचे थे
अटल टनल और लुफ्त उठा रहे थे स्नोफॉल का। स्नोफॉल तो करंट टाइम पे नहीं हो रही थी क्योंकि रात में स्नोफॉल हुई थी, दिन में तो हुई नहीं थी, लेकिन हाँ इतना था कि स्नो, इतनी स्नो थी कि देखने ही लायक था कि स्नो स्नो स्नो। तो फिर हम वहाँ पे नीचे साइड पे हम लोगों ने क्या किया ना कि हम लोगों ने शूज़ नहीं परचेस किए थे, हमने सोचा चलो अपनी शूज़ पहन के हम लोग घूम लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अपने शूज़ पहन के आप यहाँ नहीं घूम सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है यहाँ पे। तो जब भी देखना आप, मतलब ये स्केटिंग कर रही हैं, आइस स्केटिंग कर रही हैं, लेकिन हाँ इनको पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन हाँ ट्राई कर रही थी और ये अभी गिर जाएंगी, और गिरते इनको पता चलेगा कि हाँ थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मतलब कोई सपोर्ट लेके ही करें, ऐसे अपने आप ना करें कि अगर स्किड कर गए तो काफ़ी नीचे जा सकती हैं आप। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, सूज नहीं लाया तो नीचे ऊपर ही परचेस कर लेते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार यहाँ पर गिर चुका था क्योंकि मैं सूज नहीं लाया था। तो सूज का चार्ज अराउंड को वही 50 रुपये के आसपास पड़ा था पर पेयर पे, तो हमने दो पेयर लिए थे यहाँ पे। तो हमने ये मतलब कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आप कितने टाइम पे लिए, आपको कितने टाइम पे वापस करना है। तो हम लोग वही तकरीबन पहुँचे थे 11 बजे के आसपास पहुँच गए थे अटल टनल, क्योंकि कुछ टाइम हम लोगों ने सोलन वैली भी देखा था। सोलन वैली में क्या दिक्कत है ना कि अभी वहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम चल रहा था, तो वहाँ पे मतलब स्नोफॉल तो ऐसी थी नहीं, और जो थी तो ये जो उनके घोड़े होते हैं ना, उन्होंने बहुत ही रास्ता ख़राब करके रखा था। और हमने भी सोचा थोड़ा सा लुफ्त उठाया जाए स्नोफॉल का, तो हम लोग आइस में थोड़ा सा खेले, और यहाँ के आइस ऐसे लग रहा था ना कि आइस नहीं मतलब कुछ अलग ही है, छूने में ठंडी और रूई से ज़्यादा सॉफ्ट महसूस हो रहा था कि हाँ कि हम कहीं पे हैं। हाँ यहाँ पे ठंडक थोड़ी सी ज़्यादा थी क्योंकि अगर आपके अंदर तक आइस चली गई ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा ठंडक लग सकती है, ये आपको तुरंत तो नहीं पता चलेगी, लेकिन हाँ शाम को जरूर पता चलेगी जब आप लेटेंगे, क्योंकि जो आइस होती ना कि आपको महसूस नहीं होगा लेकिन आपके अंदर खून को जमा देती है, ऐसी ठंडी होती है यहाँ पर। तो यहीं पास में एक गांव भी पड़ता है सिसु गांव, काफ़ी फेमस गांव है और यहाँ पे लोग काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन होटल्स मिलना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि छोटा सा ही टाउन है। और हम लोग तो वहाँ जाना ही था, तो हमने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था, हम लोग तो सिर्फ अटल टनल देखने आते हैं। लेकिन हाँ अटल टनल की बात ही कुछ नहीं रहनी थी, मतलब इतनी बड़ी सुरंग, वो भी ये दो लेयर में है जिस पे हम चलते हैं, ये अलग लेयर है और उसके एक नीचे लेयर है इमरजेंसी लेयर। अगर बाय द वे कुछ टनल में हो भी जाता है तो नीचे से आपको निकाला भी जा सकता है क्योंकि ये दो लेयर में बनाई गई है। टनल काफ़ी खूबसूरत थी और फिर अटल जी के नाम पे थी तो अटल टनल तो अटल ही रहेगी। तो हम लोगों ने देखा अटल टनल, उसके बाद यहाँ पे स्नोफॉल के मज़े लिए, और स्नोफॉल के मज़े लेते ही तो मज़े आ गए, काफ़ी अच्छा हमको अनुभव रहा। लेकिन हाँ हमको जैसे सुनने में आया था कि हाँ सोलन वैली में बहुत स्नो गिरती है, बहुत स्नो होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम तो जिनके साथ आए थे उन्होंने तो यही कहा कि आप कहाँ यहाँ देखने चले आए, सोलन वैली में सिर्फ कचरा ही होता है, अगर आपको असली मज़ा लेना है तो आप हमारे साथ चलिए ऊपर अटल टनल। तो हम लोग अटल टनल आ गए, और जो हमारे साथ ड्राइवर थे, कैब ड्राइवर थे, काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी रास्ते भर हम लोग को बताते हुए आए और हंसी मजाक करने में तो बहुत ही मारे थे। ये जो ब्लू वाले यही हमारे थे, काफ़ी ज़्यादा मज़े लेते हैं अभी सबके। तो हम लोग पहुँचे, अटल टनल देखा, स्नो के मज़े लिए, स्नो राइड तो हमारा कोई प्लान ही नहीं था क्योंकि थोड़ा रिस्क हम ले नहीं सकते थे, रिस्क हमको लेना ही नहीं था वैसे। तो और हम लोग यहाँ से निकलने की, यहाँ यही है मेरा ड्राइवर, ये काफ़ी ज़्यादा खुश मिल जा रहे हैं और ये सबसे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। अगर ऐसे ही ड्राइवर सबको मिले ना तो ट्रिप का एक अलग ही अनुभव होता है। और कुछ लोग तो यहाँ तो बर्फ़ में ले जाके गाड़ी खड़ी कर दिए, और जब निकालने का नंबर आया तो गाड़ी भी नहीं निकल पा रही थी उनकी, क्योंकि स्नो की वजह से उनकी गाड़ी थोड़ी सी धंस गई थी। और इसको रेस्क्यू करने के लिए लोग आए थे, इसको खोद मतलब आइस को खोद के बाहर निकाला और फिर गाड़ी निकल पाती है। कभी भी आप आए तो कभी भी आप रोड से कभी भी गाड़ी नीचे उतार के ना खड़ी करें, अगर बाय द वे आपकी कार फंस गई ना तो निकालने में बहुत मुश्किल होगी। ये भले ही फॉर्चूनर है लेकिन ये अपने दम पे नहीं निकल सकती है। तो हम लोग जिनके साथ आए थे वो तो बहुत ही समझदार थे, उन्होंने अपनी गाड़ी रोड पे ही खड़ी की थी और उन्होंने कहा था कि आप लोग जितना घूमना चाहो घूम सकते हो, आपका जब भी मन होगा आप हमसे बोल देना और तब हम चलेंगे। तो वही हम लोग आराम से घूमे,
यहाँ पास में नदी भी है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन हम नहीं गए देखने क्योंकि क्या भरोसा कहाँ पे कितनी बर्फ़ है क्या है, हमको कुछ पता नहीं था इस बारे में पहले कभी। हम फर्स्ट टाइम गए थे अटल टनल देखने, वाटर टनल के पास स्नो फॉल तो बहुत ज़्यादा थी। तो कुछ लोग तो यहाँ आते हैं, उनको घूमने से कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ यहाँ ड्रिंक करने आते हैं। आए ड्रिंक किए और खुद तो मतलब नर्वस होते हैं, लेकिन सामने वाले को उसको बहुत ज़्यादा नर्वस कर देते हैं क्योंकि वो उनके लिए मज़े की चीज़ें होती हैं, लेकिन सामने वाले को तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन आप यहाँ आए कुछ भी करिए, लेकिन मज़े भी अपने लिमिट में करिए, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे को दिक्कत हो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो सुनन वैली की हमारी जर्नी तो उतनी खास नहीं रही, लेकिन अटल टनल की जर्नी हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगी, और यहाँ की खूबसूरती तो हमेशा हमारे दिमाग में रहेगी। तो आपको कैसा लगा? अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो अगला प्लान चल रहा है, हम लोग इस अभी अगस्त सितंबर के आसपास अगस्त में निकलेंगे, और सितंबर 10 सितंबर तक हम लोग केदारनाथ में रहेंगे, तो वहाँ का वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगा। तो उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया। तो अगर आपको कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। अगर आपको कहीं ट्रिप प्लान करना है, उसके बारे में हमसे कुछ पूछना है, तो आप हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया। आप सबका प्यार हमारे लिए ही काफ़ी है, तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।